और देश की राजधानी दिल्ली में बलात्कार के एक मामले ने पूरे देश को शर्मिंदा कर दिया और इस घटना के सामने आने के बाद से देश के अलग अलग कोनों अलग अलग हिस्सों से बलात्कार की कोशिश देह शोषण से लेकर छेड़खानी तक के अलग अलग मामले लगातार सामने आ रहे हैं। कानून पंगु है, पुलिस लाचार है, पूरे देश में बढ़ता जा रहा अत्याचार है। देश की आम आवाम शर्मिंदा हो रही है और सबके दिलों में उठ रहे हैं कई सवाल। सवाल उठ रहा है, आखिर कब तक ये शर्म सही, कब तक? क्या शहर, क्या गांव, क्या कस्बे, क्या मोहल्ले, हर तरफ से लगातार आ रही हैं महिलाओं के खिलाफ अत्याचार की अलग अलग दास्तान। देश की राजधानी दिल्ली, ताजा मामला मंडावली इलाके का है जहां एक युवती ने अपने ही मंगेतर के खिलाफ गैंग रेप का मामला दर्ज करवाया है। देश की राजधानी दिल्ली ही तिमारपुर इलाके में एक युवती ने अपने पति के दोस्त पर रेप का आरोप लगाया है। इस मामले में पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है। फिर दिल्ली, पश्चिमी दिल्ली के खयाला इलाके में एक 9 वर्ष की लड़की के साथ बलात्कार की कोशिश का मामला सामने आया है। इस कोशिश को करने वाले आरिफ नाम के युवक को लोगों ने पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया है। आरा, बिहार, यहां चलती ट्रेन में एक लड़की से छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। इस घटना के बाद पीड़ित लड़की ने ब्रह्मपुत्र मेल से छलांग लगा दी है जिसे गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। नहीं बताऊंगी क्योंकि मेरा धमकता है ना, मैं बोल नहीं सकती हूँ। अच्छा ठीक है, घर कहाँ है? घर नहीं भी सही का ट्रेन के यात्रियों ने छेड़खानी करने के दोनों आरोपी लड़कों को पकड़कर जीआरपी के हवाले कर दिया था, लेकिन इसमें से एक फरार हो गया है। चिरंग, असम, उत्तरी असम के चिरंग जिले में बलात्कार के आरोपी वरिष्ठ कांग्रेसी नेता विक्रम सिंह ब्रह्मा की महिलाओं ने सरेआम धुनाई कर दी। आरोपी नेता को गिरफ्तार कर लिया गया है। बोडोलैंड टेरिटोरियल एरिया के आईजी जीपी सिंह ने बताया कि शुरुआती जांच में रेप की पुष्टि हो गई है। दिल्ली में जो घटना हुई दामिनिका, एक घटना की लोगों का अहंकार है, लोगों का क्रोध अभी तक खत्म नहीं हुआ, लोग जल रहा है अभी। फिर भी यहाँ पे शुरू हो गया, कलकत्ता में हुआ, 6 लोगों ने गैंग रेप किया, एक 60 ईयर की एक वृद्धा महिला की, अभी कोकराझार में हुआ। अभी बहुत दुख है, अभी बात है कि महिला को बार बार इस तरफ व्यवहार करते हैं लोग, महिला को इस तरफ अगर यूज करते हैं तो महिला ने जरूर हाथ में शस्त्र धारण करना जरूरी हो गया। विक्रम सिंह असम प्रदेश के कांग्रेस कार्य समिति के सदस्य है और बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल के पार्टी के कोऑर्डिनेटर है। आरोप यह है कि विक्रम सिंह सरकारी सुविधाएं और रियायत देने के नाम पर कई महीने तक एक महिला का यौन शोषण करते रहे। कोटा, राजस्थान, यहां एक युवती ने इंजीनियरिंग के एक छात्र पर बलात्कार करने का आरोप लगाया है। पुलिस ने छात्र को हिरासत में ले लिया है। महिला का आरोप है कि उस शख्स ने उसे शादी का झांसा देकर 4 साल से कर रहा था उसके शरीर का शोषण। 20 साल की युवती है, उसने आकर मुकदमा दर्ज करवाया था कि पिछले 4-5 साल से वसीम अकरम पठान है जो विज्ञान नगर में रहता है, वो लड़का मेरे को धमकी देकर मेरा देह शोषण कर रहा है। शादी का झांसा दिया उसने और 2 दिन पहले उसने कहा कि तेरी क्लिपिंग है मेरे पास आओ, मेरे से संबंध बढ़ाओ, नहीं तो मैं क्लिपिंग दिखा दूंगा लोगों को। जब युवती ने शादी का दबाव बनाया तो अश्लील वीडियो बनाकर चुप रहने की धमकी दी। छात्र पुलिस के हिरासत में है। गोरखपुर, उत्तर प्रदेश,
गोरखपुर के गुलहरिया के बनगाई गांव में एक दलित नाबालिग के साथ हथियारों से डराकर दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। ये घटना 27 दिसंबर की है। लोगों ने जब देखा कि मामले में पुलिस किसी तरह की कार्रवाई नहीं कर रही है तो उनको थाने का घेराव करना पड़ा। पुलिस अब जाकर मामले में हरकत में आई है और लड़की का मेडिकल कराने में जुट गई है। इस मामले में गांव के ही कुछ बदमाश आरोपी बताए जा रहे हैं। शाहजहांपुर, उत्तर प्रदेश। शाहजहांपुर के जलालाबाद इलाके में एक महिला ने सूदखोर पर बलात्कार का आरोप लगाया है। महिला का आरोप है कि पति द्वारा ब्याज पर पैसा न चुकाने के एवज में सूदखोर ने उसके साथ कई बार बलात्कार किया। महिला का पति शराब का आदी था। उसने गांव के ही सूदखोर से 3 महीने पहले 4000 उधार लिए थे। जब महिला के पति ने पैसे न चुकाने की मजबूरी दिखाई तो सूदखोर ने उसकी पत्नी को घर भेजने को कहा। इस दौरान उसने महिला के साथ कई बार बलात्कार किया। महिला जब शिकायत दर्ज कराने थाने पहुंची तो उसे भगा दिया गया, जिसके बाद कोर्ट के आदेश पर मुकदमा दर्ज कराया गया। इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश। इलाहाबाद के खुल्दाबाद इलाके में एक नाबालिग लड़की के साथ गैंगरेप की घटना सामने आई है। लड़की ने अपने पड़ोसी और उसके दो साथियों पर बलात्कार का आरोप लगाया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी पड़ोसी को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि बाकी के दो आरोपी फरार बताए जा रहे हैं। पुलिस ने लड़की का मेडिकल करा दिया है। भिवानी, हरियाणा। यह है वो महिला जो कि भिवानी के गांव काकडौली हट्टी में अपने पति के साथ रहती है। नए साल का आगाज इस महिला को बर्बादी का सबब दे गया। गांव के 6 युवकों ने इस महिला के साथ सामूहिक बलात्कार किया। पहले युवकों ने इस महिला के पति को खूब शराब पिलाई ताकि वो नशे में आ जाए। इसके बाद 6 युवकों ने उसकी इज्जत को तार तार कर दिया। 2-3 बार हमसे ऐसा काम किया गलत, तो हम वहाँ घर वालों से कही, हमने घर वाले हमारे तो फिर थाने को गए, थाने में भगा दिया तो हम कोर्ट में गए, कोर्ट में हमने रिपोर्ट कराई। महिला चिल्लाई भी लेकिन मदद के लिए आस पड़ोस के लोग भी नहीं आए। आरोपियों में से 2 सेना के जवान बताए जा रहे हैं। समय के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। भगा दिया तो हम कोर्ट में गए, कोर्ट में हमने रिपोर्ट।